गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल बी लर्न लेट्स लर्न फोनिक्स बी। आज हम लेट्स लर्न फोनिक्स बी में पढ़ेंगे यूजिंग बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, अंडर एंड नियर। ओके, ये सारे कॉन्सेप्ट हम अपनी इंग्लिश प्राइमर वाली बुक में भी पढ़ चुके हैं। बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, अंडर एंड नियर। बिहाइंड मीन्स क्या होता है? पीछे। इन फ्रंट ऑफ मीन्स क्या होता है? सामने। किसी के सामने जब खड़े रहते हो तो हम वहाँ पे इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। अंडर मीन्स क्या होता है? नीचे। नियर मीन्स क्या होता है? पास में। ओके, बिहाइंड मीन्स क्या होता है? पीछे। जैसे आप किसी के पीछे खड़े हो तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? बिहाइंड का यूज़ करेंगे। अगर आप किसी के सामने खड़े हो तो वहाँ पे हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करेंगे। अगर आप किसी कोई चीज़ किसी के नीचे है, जैसे कि ये बोर्ड ट्री के नीचे है ना, तो यहाँ पे अंडर का यूज़ हम करेंगे। ओके, और पास, किसी के पास आप खड़े हो तो वहाँ पे हम नियर का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है ना, द बॉय इज़ बिहाइंड द वॉल। ओके, ये लड़का वॉल के पीछे खड़ा है, तो किसका यूज़ हमने यहाँ पे किया है? बिहाइंड का यूज़ किया है। द बॉय इज़ बिहाइंड द वॉल। ओके, लड़का वॉल के पीछे खड़ा है। द टीचर इज़ इन फ्रंट ऑफ दिस चिल्ड्रेन। ओके, द टीचर इज़ इन फ्रंट ऑफ दिस चिल्ड्रेन। टीचर बच्चों के सामने है ना, बच्चों के सामने टीचर पढ़ाती है ना, तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करेंगे। द टीचर इज़ इन फ्रंट ऑफ दिस चिल्ड्रेन। ओके, द डॉग इज़ अंडर द ट्री। द डॉग इज अंडर द ट्री। डॉग किसके नीचे है? ट्री के नीचे ना, तो हम इस यहाँ पे किसका यूज़ किया है? अंडर। द डॉग इज अंडर द ट्री। द वूमेन इज नियर द वेल। ओके, द वूमेन इज नियर द वेल। वूमेन वेल के पास में खड़ी है, कुएं के पास में खड़ी है ना, तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है? नियर का यूज़ किया है। ओके, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बिहाइंड मीन्स पीछे, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने के लिए यूज होता है, नीचे के लिए अंडर का यूज़ करते हैं, और पास के लिए नियर का यूज़ करते हैं हम। ओके, अभी हम अपने नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। यहाँ पर दिया है द बॉल इज़ अंडर द टेबल। द बॉल इज़ अंडर द टेबल। बॉल किसके नीचे है? टेबल के नीचे। नीचे है तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया? अंडर का यूज़ किया है। ओके, द ट्री इज़ नियर द स्कूल। द ट्री इज़ नियर द स्कूल। ट्री स्कूल के पास में है। ओके, अली इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड करण। अली इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड द करण। अली करण के पीछे खड़ा है। ओके, पीछे के लिए हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं। अ डॉग रैन इन फ्रंट ऑफ द कार। अ डॉग रैन इन फ्रंट ऑफ द कार। ओके, डॉग कार के सामने से दौड़ रहा है ना, तो यहाँ सामने के लिए हमने किसका यूज़ किया है? इन फ्रंट ऑफ का यूज़ किया है। ओके, नेक्स्ट पेज पे हमारा एक्टिविटी दिया है, राइट बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, अंडर और नियर इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं, वहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड फिल करना है। ओके, द गोट इज सिटिंग। गोट कहाँ बैठी है? अंडर द ट्री। द गोट इज सिटिंग अंडर द ट्री। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? अंडर। ओके, द बॉय इज स्टैंडिंग। द बॉय इज स्टैंडिंग नियर द बाइसाइकिल। नियर। ओके, द ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड द टीचर। ओके, यहाँ पे हमने किसका यूज किया? बिहाइंड। नेक्स्ट, द टेबल इज इन फ्रंट ऑफ द चेयर। द टेबल इज इन फ्रंट ऑफ दिस चेयर। टेबल चेयर के सामने है, तो इन फ्रंट ऑफ का यूज होगा। ओके, ये एक्सरसाइज आप लोग करिएगा, और पीछे का ये वाला वन पेज है, इसको आप लोग खुद से फिल करिएगा और स्कैन करके ग्रुप में सेंड करिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।